जैन बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपने देखा कि हम लाइट के सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी सीरीज में आज हम क्वेश्चन नंबर कल के क्लास में हमने 140 तक कर लिए थे, उसके आगे की सीरीज आज हम फिर शुरू कर रहे हैं। 141 से अपन शुरू करेंगे क्वेश्चन। तक लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था बेटा, 141 से हम अभी डिस्कस करेंगे। ये 140 तक के क्वेश्चन कल डिस्कस हो गए थे बेटा, सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। 141 से अपन शुरू कर रहे हैं। 141 को देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका। डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस आर सीन बाय द आई, द पैरामीटर रिमेंस कॉन्स्टेंट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कर रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है उस आई पे क्या बनती है? अलग अलग बनती है। आर सीन बाई द आई, द पैरामीटर रिमेंस कॉन्स्टेंट। ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो इमेज के बनते समय हमेशा कॉन्स्टेंट बना रहता है? तो पहला ऑप्शन है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, आई लेंस की फोकल लेंथ कॉन्स्टेंट बनी रहती है, ठीक। सेकेंड कहता है द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस, नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई लेंस से फिक्स नहीं हो सकती। कैसे? मान लीजिए आपका आई है बेटा, ये आपका आईपिक लेंस है जो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करती है, अलग अलग डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ पे है ऑब्जेक्ट की, दूसरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो क्या सभी की डिस्टेंस एक जैसी थोड़ी रहेगी? इमेज के डिस्टेंस की बात अगर करे जाए तो सबकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा? रेटिना पर बनेगी। ये भी इमेज इस तरीके से आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज कहाँ पे चली जाएगी? रेटिना पे। इसका भी इमेज यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ बनेगा? रेटिना पे। इमेज सबकी क्या बनेगी भाई? रेटिना पे बनेगी। नेक्स्ट कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी? नहीं। द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस, आई लेंस से जो इमेज की डिस्टेंस है। अब आई लेंस तो अपनी पोजिशन पे होगी बेटा, ऐसा तो है नहीं कि आई लेंस आगे पीछे क्या करेगा, मूव करेगा। इमेज भी हमेशा कहाँ बनेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इमेज रेटिना पे बनेगा। तो यह आई लेंस से जो रेटिना की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहती है बेटा? कॉन्स्टेंट बनी रहती है। तो हम बोल सकते हैं कि आईपिक लेंस से जो रेटिना की इमेज की डिस्टेंस जो है वो आई लेंस से हमेशा कॉन्स्टेंट है। इमेज बनती है कहाँ पे? रेटिना पे। क्लियर है बेटा? तो रेटिना से और आई लेंस की डिस्टेंस हमेशा क्या बनी रहेगी? कांस्टेंट बनी रहेगी। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें? डी आपका करेक्ट आंसर है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट 142। हाउ फार मस्ट अ गर्ल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कंकेव स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस 120 सेंटीमीटर टू सी एन इरेक्ट इमेज ऑफ हर फेस फोर टाइम्स इट्स नेचुरल साइज। बोल रहा है कोई भी लड़की है जो कहाँ खड़ी है? इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर कैसा होता है बेटा? कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। इसके सामने कोई भी लड़की खड़ी है, मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 120 सेंटीमीटर। अब इसका आर आपको मालूम है इस साइड होगा,
लेफ्ट साइड इस साइड होगा कहीं ना कहीं यार। तो हमेशा हमने बोला था कि लाइट में कभी भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसके स्पेसिफिक साइन के साथ वैल्यू को फिट करेंगे। तो आर अगर 120 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ये हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर और साइन किसका लगेगा बेटा, माइनस का। नेक्स्ट करा है टू सी एन इरेक्ट इमेज ऑफ हर फेस फोर टाइम्स ऑफ नेचुरल साइज। इमेज इरेक्ट बना रहा है और फोर टाइम्स बना रहा है। जब भी फोर टाइम्स, टू टाइम्स या टेन टाइम्स की बात हो जाएगी तो आप समझ लेना हुआ उसकी मैग्निफिकेशन दे रखी है बेटा। और मैग्निफिकेशन अगर वह इरेक्ट इमेज दे दे तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है बेटा। तो मैग्निफिकेशन इसका हो जाएगा प्लस का फोर। अगर यहाँ पे हमें अगर बोलता हुआ रियल इमेज बना रहा है तो हम मैग्निफिकेशन इसका माइनस का फोर कर लेते। मैग्निफिकेशन प्लस का होगा कि माइनस का होगा यह इस बात पे डिपेंड करेगी कि इमेज कैसा बन रहा है। इमेज अगर रियल बन रहा है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव, और इमेज अगर वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनता है, तो यहाँ इरेक्ट बन रहा है इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इमेज कैसा बन रहा है बेटा, वर्चुअल। और वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। आवर्धन हमेशा धनात्मक होगा जब जब वह वर्चुअल या काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करेगा, और काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है। क्लियर। और हमसे पूछा किसका डिस्टेंस है, मस्ट स्टैंड, हाउ फार मस्ट अ गर्ल्स स्टैंड। गर्ल्स स्टैंड मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब हमसे यू की वैल्यू पूछी जा रही है बेटा। तो एम और एफ दे रखा है, इससे आपको यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके दो तरीके हैं, एम और एफ के हेल्प से अगर यू निकालना है तो सबसे पहले इसका वी निकालना पड़ेगा बेटा। क्या होता है फॉर्मूला, एम का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है बेटा, किसके लिए, मिरर के लिए, माइनस का वी अपॉन में यू। क्लियर है आपको। अब एम दे रखा है और एफ दे रखा है और यू पूछा है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालने की जरूरत हो जाएगी, वी निकालने की। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा कि पहले आप वी निकालिए, फिर वी के हेल्प से क्या निकालिए, यू निकालिए। तो इसका एक डायरेक्ट हम ट्रिक आपको बता रहे हैं क्या करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है जिसका रिलेशन बताता है एफ के टर्म में, यू के टर्म में और एम के टर्म में। मैग्निफिकेशन का रिलेशन यू और एफ के टर्म में एक होता है, और एक एफ और वी के साथ मैग्निफिकेशन का रिलेशन होता है। जो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं वो ये जानते होंगे बेटा, माइनस का वी अपॉन में यू इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन में ओ। यहाँ तक आपको पता होगा, लेकिन इसको थोड़ा आप आगे जाकर के कन्वर्ट कर लीजिए। एफ और यू के टर्म में पूछा है, अभी वाले केस में हमको एफ और यू के टर्म में पूछा है, तो हम जरा आपको थोड़ा निकाल के इसको बता देते हैं कि एफ और यू के टर्म में पूछे तो कौन सा फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वन अपॉन में एफ इक्वल टू होता है बेटा वन अपॉन में वी माइनस वन अपॉन में यू। क्लियर है। हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं यू से, हमें यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, वी अपॉन में यू। क्या चाहिए बेटा, तो v अपॉन में u लाने के लिए हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं v से, तो हो जाएगा v अपॉन में f, ये भी हो जाएगा v अपॉन में f, और ये हो जाएगा v अपॉन में u। क्लियर। कैंसल आउट हो जाएगा वन, v अपॉन में u इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस का v अपॉन में u इक्वल टू आ जाएगा v माइनस f माइनस वन इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u। आंसर आ गया v माइनस f अपॉन में F इक्वल टू माइनस का V अपॉन में। तो आपको मालूम चल गया कि अगर रिलेशन V और F का हो तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो आपके पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और आ गया, माइनस के V अपॉन में U को हम लिख सकते हैं बेटा V माइनस F अपॉन में F। यह तब यूज करना है जब V और F गिवन हो। यहाँ क्वेश्चन में V और F गिवन नहीं है, यहाँ पे M और F गिवन है और U पूछा है, तो रिलेशन U और F का चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, फिर इसी वाले इक्वेशन में जो आपने अभी देखा था लेंस फॉर मिरर फॉर्मूला, एक मिनट सुनना बेटा, ये यहाँ गलत हुआ है, यहाँ पे माइनस नहीं होता, यहाँ पे प्लस होता है, एक मिनट रुक जाइएगा बेटा, ये गलत हुआ है। मिरर फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर है, मिरर में वन अपॉन में वी प्लस में क्या होता है, वन अपॉन में यू होता है। जब बोथ साइड v का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो v अपॉन में f इक्वल टू v अपॉन में v प्लस v अपॉन में u हो जाएगा। क्लियर। हमें तो माइनस का v अपॉन में u चाहिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों वन हो जाएगा। माइनस का v अपॉन में u, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे, तो इसको राइट हैंड साइड में प्लेस करना पड़ेगा, वन माइनस v अपॉन में f। तो माइनस का v अपॉन में u इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन f माइनस v अपॉन में f। क्लियर।
तो आप एक फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का वी और एफ के टर्म में याद रखिएगा, एफ माइनस वी अपॉन में एफ, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन हमें तो यू का रिलेशन चाहिए, तो हम इसको यू के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो फॉर्मूला अगर आपको एक साथ ध्यान हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, आगे का क्वेश्चन आप बिल्कुल ईजी वे में कर सकते हैं। वन अपॉन में एफ, अब की बार हम बी के जगह यू से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो हो जाएगा ये यू बाई एफ यू बाई बी प्लस U by U, तो ये कैंसिल होकर के वन हो जाएगा बेटा। U by B इधर आएगा, माइनस का U by B हो जाएगा, ये उधर जाएगा वन माइनस U by F, तो माइनस का U by B का फॉर्मूला आ गया F माइनस U by F। हमें तो V by U चाहिए, तो इसको हम रिवर्स कर लेंगे बेटा, जैसे ही हम इसको रिवर्स करेंगे आंसर आ जाएगा F ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यह F अपॉन में F माइनस U, क्लियर है सबको, ठीक है सर। आज आपके सामने मैग्निफिकेशन का कितने फॉर्मूला आ गया, एक दो तीन और चार, इन्हीं फॉर्मूले में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। कंडीशन कैसी है आपको देखना होता है कि गिवन क्या है, यहाँ पे यू और एफ की बात कर रहा है वो, तो यू और एफ से मैग्निफिकेशन इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्टली निकल सकता है। अब देखिए हम यूज कर रहे हैं इन फॉर्मूलों का और अपने वाले क्वेश्चन को, हाँ वैल्यू रखते समय साइन का ध्यान हमेशा रखना है बेटा, बिना साइन के आप वैल्यू कभी भी नहीं रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, हमें इस वाले एक का यूज करना है m, m की वैल्यू दे रखी है वो प्लस का 4, हमारे क्वेश्चन में m की वैल्यू प्लस का 4, f कितना दे रखा है माइनस का 6, फिर f तो माइनस का 6, माइनस u फाइंड आउट करना है, कोई मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 60 का 4 से करेंगे माइनस का 240 प्लस माइनस माइनस 4u इक्वल टू माइनस का 6, क्लियर, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4u इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो माइनस का 60 प्लस का हो जाएगा बेटा 240, तो माइनस का 4u इक्वल टू 240 में से 60 चला जाएगा 180 हो जाएगा, क्लियर है, साइन प्लस का है, यहाँ तो यू की वैल्यू निकल गई 180 बाई माइनस का 4 माइनस ऊपर चला जाएगा 4 4 जा 16 220 4 5 जा 20, क्लियर है बेटा, साइन माइनस का मतलब 45 सेंटीमीटर ऑफ द मिरर, ये आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर। साइन के साथ भी आया आंसर आपका, आप देख सकते हैं क्योंकि यू इस साइड ही होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा कॉनकेव मिरर में लेफ्ट में ही होता है, लेफ्ट में होता है तो यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए, वो आपके आंसर में आ भी रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर, साइन के साथ जब भी रखोगे ना स्पेसिफिक साइन के साथ आंसर हमेशा सही आएगा बेटा, गलत होने के कोई चांसेस ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यू इक्वल टू माइनस का 45 सेंटीमीटर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप द लेंस इज एट अ डिस्टेंस, इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप द लेंस इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द आई एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस डी, क्लियर। उसने बोला एक कनकेव मिरर यूज कर रहा है, सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर रहा है, जिसमें लेंस को कहाँ हेल्ड किया गया है, एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द आई। अब सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो एक ही कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, क्लियर, और इसका इमेज कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो इमेज देख रहा है यहाँ, और बोल रहा है ऑब्जर्वर के आई से इसको कितने डिस्टेंस पे हेल्ड कर दिया गया है, रखा गया है डी डिस्टेंस पे, क्लियर है, ये क्वेश्चन है। फिर आगे बोल रहा है इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो इमेज कहाँ पे बनेगा बेटा, डी पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, डिस्टिंक्ट विजन डी पे बनेगा, द डिस्टेंस विजन ऑफ द आई, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, तो इसके अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो इसका मैग्निफिकेशन आता है बेटा d अपॉन में ue, क्लियर। उसने बोला फाइनल इमेज कहां पे बन रहा है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इस कंडीशन को हम बोलते हैं केस वन, केस वन में उसने ऐसा बोला इमेज बन रहा है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को, इसको पकड़ना बेटा, अगर इमेज बन रहा है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो इमेज को हम वी से लिखते हैं, कहाँ बन रहा है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब डी पे बन रहा है,
इस साइड बनेगा इमेज लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस का है, क्योंकि इसका इमेज इस साइड ही बनता है। कुछ इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट आती है, मैग्नीफाई कर देता है। क्लियर है? ये दूर जाती है दोनों, इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे हमें मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देता है ये ऑब्जर्वर यहाँ पे। तो वन अपॉन में एफ लगा लीजिए लेंस फॉर्मूला, वन अपॉन में वी माइनस वन अपॉन में यू। हमें लाना है डी अपॉन में यू, सॉरी यू ई मत लगाइएगा, आई पी लेंस के लिए नहीं, यू ई तब लगेगा जब वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जाएगा और आई उसको देख रहा होगा। आई पी लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस दो लेंस होते हैं, वहाँ पे यू ई और यू ओ का यूज हम करते हैं, यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पे वन अपॉन में एफ इक्वल टू वन अपॉन में वी इधर बन गया है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड होता है तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे माइनस का यू लिखेंगे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? डी अपॉन में यू की। तो यहाँ कमी किसकी आ रही है? डी की कमी आ रही है, यू तो है, तो डी से बोथ साइड आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी अपॉन में एफ इक्वल टू माइनस ऊपर ले लीजिए डी अपॉन में डी, माइनस माइनस प्लस डी अपॉन में डी से डी कैंसिल, माइनस वन प्लस से आ जाएगा इधर, तो वन प्लस डी अपॉन में एफ आ जाएगा इक्वल टू डी अपॉन में यू। तो आपका जो एट लीस्ट डिस्टेंस की कंडीशन बोल रखी थी कि इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, तो उसके लिए जो डी अपॉन में यू की वैल्यू आई वो कितना आया बेटा? वन प्लस डी बाई एफ। कितना आया? अब यहाँ पे देख रहा है वन प्लस डी बाई एफ यहाँ है, लेकिन इसमें कंडीशन उसने क्या लगा दी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जर्वर है वह लेंस से डी डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। अगर यह ऑब्जर्वर यहाँ की बजाय एकदम लेंस के पास ही बैठ करके इमेज को देख रहा होता तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट होता। सुनना हमारी बात, अगर वहीं पे बैठ करके इमेज को देख रहा होता जहां पे लेंस इमेज बना रहा है तब ये आंसर आपका करेक्ट है फॉर्मूले वाला। लेकिन वह ऑब्जर्वर उस लेंस से थोड़ा दूर चला गया है तो उसकी शिफ्टिंग को पहले माइनस करो। डी डिस्टेंस की बजाय अब वो कितने पे चला गया है? डी माइनस डी पे। यहाँ कंफ्यूजन होता है इसे डी प्लस डी यूज करूँ कि डी माइनस डी यूज करूँ, तो आपको हम बता दें वो जितनी डिस्टेंस दूर चली जाएगी बेटा उतने डिस्टेंस को आप हमेशा माइनस कीजिएगा, तभी आपका कंप्लीट मैग्निफिकेशन निकल के आएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा? डी माइनस डी बाई एफ आपका करेक्ट आंसर है। लेंस के पास होता तो ये होता, इसकी तो बात ही नहीं हो रही, लेंस से दूर जाएगा तो डिस्टेंस हमेशा क्या कर देते हैं उसको माइनस करके देते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी माइनस डी बाई एफ, ये आपका करेक्ट आंसर है बेटा। चले आगे नेक्स्ट। अ फार साइटनेस पर्सन हैज अ नियर पॉइंट इज 100 सेंटीमीटर, व्हाट मस्ट बी द पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फार साइटनेस पर्सन है, दूर दृष्टि दोष वाला कोई व्यक्ति है जिसका नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट मतलब वह पॉइंट जो वहां से वह इमेज को देख सकता है, मतलब वह 100 सेंटीमीटर तक के बनने वाले इमेज को देख सकता है, 100 सेंटीमीटर तक के इमेज को वह देख सकता है, मतलब उसके लिए v की वैल्यू आ जाएगी 100। और चूंकि इमेज हर साइटनेस की बात हो रही है, इमेज उसके उस साइड ही बनती है जिधर ऑब्जेक्ट होता है, तो यह साइन काहे का आ जाएगा बेटा? माइनस का, v माइनस का 100 सेंटीमीटर। व्हाट बी द पावर ऑफ दिस करेक्टिंग लेंस, लेंस का पावर पूछ रहा है। आपको ये बात पहले पता होना चाहिए कि अगर फार साइटनेस है तो लेंस कौन सा लग रहा होगा? दूर दृष्टि है बेटा तो लेंस लगा होगा उसको उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस की पावर जो होती है वो क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी खत्म हो रहा है, दो ऑप्शन आपके ऐसे ही खत्म हो गए। अब बचे क्या? 0.8 और 3। अब 0.8 और 3 में कैसे सोचेंगे? उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, सोच नहीं सकते। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो उसमें तुक्का लगाने वाली बात हो जाएगी, वैसा नहीं करना अपने को, अपने को इसका पूरा सॉल्यूशन करना है। P का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू 1/f, मतलब यह पावर तभी सॉल्व होगा बेटा जब उसका f आएगा, और f आने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 1 अपॉन में f इक्वल टू 1 अपॉन में v, लेंस है तो माइनस का 1 अपॉन में u हो जाएगा। अब u हमें कहां से आएगा? तो बेटा देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑब्जर्वर होगा, जब वह ऑब्जेक्ट को देखेगा तो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कितना रखेगा? 25 सेंटीमीटर। उससे पास वो देखेगा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो u की वैल्यू हमारे केस में कितना आ जाएगा? 25 माइनस का आएगा, इस साइड है तो 25 सेंटीमीटर u हमें निकल गया। हम इसका अब f निकाल सकते हैं, 1 अपॉन में f इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u। 1 अपॉन में f की वैल्यू 1 अपॉन में v
तो वन अपॉन में माइनस हंड्रेड, माइनस ऑफ वन अपॉन में माइनस पच्चीस, माइनस माइनस प्लस पच्चीस, तो वन अपॉन में एफ इक्वल टू वन अपॉन में ट्वेंटी फाइव माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा हंड्रेड, तो वन अपॉन में एफ इक्वल टू हो गया हंड्रेड, ट्वेंटी फाइव से चला जाएगा फोर माइनस ये आ जाएगा वन, तो वन अपॉन में एफ इक्वल टू आ गया आपका थ्री अपॉन में हंड्रेड बेटा, ये आंसर आया आपका सेंटीमीटर में। अब पावर क्या होता है, तो वन अपॉन एफ ही तो होता है, तो वन अपॉन में एफ मतलब थ्री अपॉन में हंड्रेड, यह सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, हंड्रेड से डिवाइड देना पड़ेगा, तो हंड्रेड से हंड्रेड क्या हो जाएगा बेटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका पावर कितना हो जाएगा थ्री डायोप्टर प्लस का, खत्म का। क्लियर है सबको, ये आपका करेक्ट आंसर है, सही है, लगा सकते हैं बेटा, बिल्कुल ईजी है। पी इक्वल टू वन बाई एफ, वन बाई एफ कोई पावर बोलते हैं, लेकिन ये आंसर कायम है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको कितने से डिवाइड देना पड़ेगा आपको 100 से, जैसे ही डिवाइड देंगे 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा, 1 अपॉन में f इक्वल टू कितना आ गया है आपका 3 अपॉन में 100। क्लियर, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को देखना और बताना है कौन करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीक लेंस। अभिदृश्यक की दूरी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस लगी होती है बेटा, उसकी जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, वो बोल रहा है कम होती है नेत्रिका से, आईपीक से होती भी है, आपको मालूम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम अगर थोड़ा आपको याद होगा तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक मिनट बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डायग्राम की बात करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होता है, इधर आता है ऑब्जेक्टिव लेंस और इधर आता है आईपीक लेंस, और जो ये आईपीक की जो फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव से क्या होती है बेटा बड़ी होती है, क्योंकि फाइनल इमेज को मैग्नीफाई करना है, मैग्नीफाई करने के लिए फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए बेटा बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ, इस तरीके से ये डायग्राम होता है, इमेज की बात करें तो कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया या इमेज इनलार्ज मैग्नीफाइड नहीं बना, फिर इसको इस वाले लेंस पे इंसिडेंट कराते हैं, यहाँ से ये दूर जाती है दोनों, ऐसा बनाते हैं, फिर इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आपका मैग्नीफाइड इमेज बनता है बेटा। क्लियर, उससे हमको कोई मतलब नहीं कैसा बनता है, आप तो बस ये ध्यान रखिए क्या पूछा जा रहा है, द मिनिमम डिस्टेंस, दूसरा कर रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप इज लेस देन, ठीक है ऑब्जेक्टिव लेस देन होता है, यह वाला है, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड क्या कर रहा है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म बाई अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू फोर एफ। याद होगा कल ऐसा क्वेश्चन आपको कराया गया था, जब हम इसको टू एफ पे रखते हैं तो इमेज भी टू एफ पे बनता है, दोनों रियल बनता है, तो ये डिस्टेंस 2f और ये डिस्टेंस 2f, यही मिनिमम डिस्टेंस है जिसको हम क्या बोल सकते हैं 4f, बाकी मैक्सिमम की बात करें तो ये इनफाइनाइट तक होती है जब फोकस पे ऑब्जेक्ट हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ वन एंड सेकेंड आर करेक्ट, ये आपका सी वाला आंसर करेक्ट है। क्लियर है, नेक्स्ट 146 द मरकरी एंड सोडियम स्ट्रीट लैंप्स लाइट अप बिकॉज, कहता है द सोडियम और मरकरी का जो लैंप होता है जो गलियों में लगी होती है लैंप लाइट अप चमकती है या लाइट इमिट करती है, उसका क्या कारण है। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉन इमिशन, एटॉमिक इमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। अब समझ लीजिए कोई भी बल्ब जो है वह लाइट इमिट कैसे करते हैं, उसका कंडीशन क्या होता है, बल्ब के अंदर गैसेज बड़ी होती है बेटा, बल्ब के अंदर गैसेस भरी होती है और हर गैसेस के अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर, मान लो ये बल्ब है, ये आपका फिलामेंट है, ये ग्लो कर रही है, इसके अंदर गैस भरे हुए, सही है, बल्ब के अंदर क्या भरे होते हैं गैस। अब गैस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एनर्जी के लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने बैठे हुए होते हैं इस तरीके से। जब इनको हम एनर्जी देते हैं,
जैसे ही हम इसको किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं, चाहे बैटरी से कनेक्ट कीजिए चाहे एसी सोर्स से कनेक्ट कीजिए जो घर में आ रहा है, इसको जैसे ही हम कनेक्ट कर देते हैं किसी भी बैटरी से, तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के जंप कर जाते हैं हायर एनर्जी लेवल में। अब हायर एनर्जी लेवल में ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते, हायर एनर्जी लेवल में जो इनका टाइम पीरियड होता है वो बेटा होता है 10^-8 सेकेंड। इतने समय के बाद वह इलेक्ट्रॉन फिर से कहां आ जाता है, लोअर एनर्जी लेवल में, और लोअर एनर्जी लेवल में जब यह आ रहा होता है तो यह एनर्जी इमिट करता है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन। फोटॉन के टर्म में एनर्जी क्या करता है बेटा, इमिट करता है। अगर यह एनर्जी विजुअल रेंज में है, जो एनर्जी इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ होगी, वह वेवलेंथ अगर विजुअल रेंज में है तब वह लाइट हमें दिखाई देगी। और अपन ऐसे ही लाइट लिखाते हैं जिसका रेंज हमेशा विजुअल के अंदर ही हो, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, फिर ये यहाँ से यहाँ गिरा, फिर यह एनर्जी इमिट करेगी। तो ये जो एनर्जी इमिट हो रही है इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही है, और इलेक्ट्रॉन के इमिशन के कारण हो रही है, एब्जॉर्प्शन के कारण नहीं। एब्जॉर्प्शन में तो हमने एनर्जी दिया और ये एनर्जी लेकर के कहाँ गई, हायर एनर्जी लेवल में, और वहां से फिर कहाँ आई, लोअर एनर्जी लेवल में। तो यह इलेक्ट्रॉन के इमिशन के कारण हो रही है बेटा। ऊपर से जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आती है हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, इमिशन हुआ है। एब्जॉर्प्शन तब होता है जब वो लोअर से अपर में जाता है, उस कंडीशन में एनर्जी हमको देना पड़ती, उत्सर्जन बोलते हैं बेटा इसको, एब्जॉर्प्शन को अवशोषण बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी। नेक्स्ट, ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है बेटा, इसका कोई यूज नहीं आपको। 48 पे आ जाएंगे। What is the essential difference between terrestrial telescope and astronomical telescope? Astronomical और terrestrial telescope में essential difference की बात किया, तो दोनों टेलीस्कोप आपको क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है। आपको बता दें कि दोनों टेलीस्कोप में जो astronomical telescope है उसमें final image हमेशा inverted बनता है, ध्यान रखिएगा। Final image कैसा बनता है, हमेशा inverted बनता है। Inverted बनेगा तो magnification negative होगा। जबकि टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप कैसा टेलीस्कोप होता है, इसमें तीन लेंस लगे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस जिसका साइज सबसे बड़ा, बीच में जो लेंस होता है इसको बोलते हैं इरेक्टिक लेंस, और लास्ट में जो लेंस होता है उसको हम बोलते हैं आईपिक लेंस। नेत्रिका लेंस, इरेक्टिक लेंस, और इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव या अभिदर्शक, दो तो सब में होते हैं ऑब्जेक्टिव और आईपिक। जब हम टेरिस्टेरियल या पार्थिव दूरदर्शी की बात करते हैं तो उसमें एक लेंस और बढ़ जाता है बेटा। एक लेंस बढ़ने का कारण यही है कि हमें फाइनल इमेज कैसा बनाना है, इरेक्ट बनाना है। इरेक्ट बनाने के लिए इस लेंस को लगाया जाता है। इनफाइनाइट से इस तरीके से रे आती है, यहाँ कट जाती है, ये फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये यहाँ से इधर जाती है, ये यहाँ पे इंटरसेप्ट कर जाती है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ये रे दूर जाती है, इसको आप एक्सटेंड करते हैं, फाइनल ऑब्जेक्ट ये है, इरेक्ट इमेज बनेगा क्योंकि वर्चुअल बनाना है। फाइनल इमेज इस तरीके से बनता है, किसमें, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, कंडीशन क्या है समझिएगा, तीन लेंस होते हैं। फाइनल इमेज अगर आपका इरेक्ट बना है मतलब मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, खत्म। तीसरी बात, इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी फोकस सबसे ज्यादा होती है, और जो ये दोनों होते हैं वो लगभग सेम होते हैं साइज में, सही है। इसमें आपको कंट्राडिक्शन नहीं करना है कि किसका बड़ा होता है किसका छोटा होता है। हाँ, ये इसकी फोकस सबसे ज्यादा होगा ऑब्जेक्टिव का, ये दोनों लगभग सेम साइज के होते हैं। बात करें आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, दो ही लगे होते हैं, इसमें भी यह ऑब्जेक्टिव होता है जिसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, फोकस बड़ी होती है, जो आई की तरफ लगे होते हैं उसका फोकस कम होता है। इसका भी फाइनल इमेज कुछ इस तरीके से यहाँ बनता है, बट इरेक्ट बनता है, कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, सॉरी इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड बनता है। इसका मतलब एम इसका क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब इतनी कहानी के बाद जरा ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है। ऑन द लेंसेज इन अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज कॉनकेव, नहीं कॉनकेव नहीं होती बेटा लेंस, लेंस दोनों में आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स, हमेशा उत्तल होती है, अवतल कभी नहीं होती। तो ये तो आपको छोड़ी दो, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है आपका कॉनकेव। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज वर्चुअल, हाँ ये बोल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का भी आपने देखा फाइनल इमेज कैसा बना है, इरेक्ट बना है, इरेक्ट बनाने का काम मतलब वर्चुअल बन रही है, वो वास्तविक नहीं काल्पनिक बनती है, इरेक्ट मतलब सीधा बनती है। नेक्स्ट कहता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज व्हाइल एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर्म्स एन इनवर्टेड इमेज, हाँ ये भी सही है, एसेंशियल डिफरेंस में बात करें दोनों सही है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो होती है वो कैसा बनाती है बेटा, इरेक्ट इमेज बनाती है, इरेक्ट मतलब सीधा,
जबकि कह रहा है जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो कैसा बनाती है बेटा, इन्वर्टेड। तो इन दोनों में अगर मोर करेक्ट की बात करें तो सी वाला मोर करेक्ट है, जरा डी को देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप फॉर द इन्वर्टेड इमेज, गलत है। टेरेस्ट्रियल कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनाती, कभी भी उल्टा नहीं बनाती, टेरेस्ट्रियल हमेशा इरेक्ट बनाती है, सीधा बनाती है। तो ये वाला आपका गलत है, सी आपका मोर करेक्ट आंसर है। चले आगे नेक्स्ट। अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ वी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वी मीटर पर सेकेंड से कोई लाइट ट्रेवल कर रही है, स्पीड दे रखी है वी मीटर पर सेकेंड, कहाँ जा रही है, इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑन अ ग्लास स्लैब, ठीक है, एक ग्लास स्लैब है आपका, इस पे गिर गई कितने से आकर के 45 डिग्री से, ठीक, यह एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 45 डिग्री, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू इक्वल टू 1.5, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब ग्लास स्लैब का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बीम ऑफ द लाइट इनसाइड स्लैब के अंदर, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, इसकी स्पीड हमसे पूछे, आपको मालूम है रियर टू डेंसर गया तो थोड़ा बेंड कर जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल हो जाए, फिर बाहर निकलती तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाए, हमको अंदर की स्पीड पूछा, वी डैश इक्वल टू व्हाट, तो आपको कुछ करना कहा है इसमें, वी डैश किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वी डैश, वह एयर में लाइट के स्पीड अपॉन में उसका क्या होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, पहले भी पढ़ा चुके हैं, पहले भी पढ़ा चुके, फर्स्ट क्लास में भी आप देखिएगा आपको लेक्चर में ये क्वेश्चन दिख जाएगा बेटा कि वी डैश किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड, एयर में लाइट की स्पीड अपॉन में उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें वो गया है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हमें पता है, सी की जगह उन्होंने यूज कर लिया वी, तो हम भी वी यूज कर लेंगे, अपॉन में 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2, तो हो जाएगा वी अपॉन में 3/2, आंसर आ जाएगा ऊपर चला जाएगा बेटा, हो जाएगा 2P/3, आपका करेक्ट आंसर है, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल सही आंसर। 150 देखिए क्या कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, लास्ट क्लास में भी हुआ था, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, TIR पे, कल के क्लास में भी डिस्कस किए थे, ऑप्टिकल फाइबर बना करके भी बताया गया था, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वाला 151। सपोज अ रॉकेट शिप रीडिंग फ्रॉम द अर्थ ऑफ द स्पीड ऑफ द 2/10 वेलोसिटी, अ लाइट इज रॉकेट शिप अपीयर्स ब्लू, पैसेंजर ऑफ द शिप व्हाट कलर वुड बी अपीयर टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, करा है सपोज अ रॉकेट शिप इज रेसिडिंग फ्रॉम द अर्थ एट अ स्पीड ऑफ 2/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट शिप है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट सी वो कितना दे रखा है 2/10 ऑफ सी, लाइट के स्पीड की 2/10 दे रखा है, अ लाइट ऑफ रॉकेट सी अपीयर्स ब्लू, अ लाइट इन द रॉकेट सी अपीयर्स ब्लू टू द पैसेंजर, अभी शिप के अंदर बैठे जितने भी पैसेंजर है इनको लाइट कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, ब्लू दिखाई दे रहा है, व्हाट कलर अपीयर टू द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, अर्थ पे खड़े किसी ऑब्जर्वर को वह कलर कैसा दिखाई देगा, ये आपसे पूछ रहा है, किस पे खड़े ऑब्जर्वर से पूछ रहा है, जो अर्थ पे खड़ा हुआ है उसको किस कलर का दिखाई देगा, तो एक बात बताओ लाइट के स्पीड की 2/10 चल रही है वो उसको ब्लू दिख रहा है, अब एक बात बताइए लाइट के स्पीड से उसके कलर का क्या मतलब होता है, लाइट के स्पीड से उसके कलर का क्या मतलब होता है, कलर किस पे डिपेंड करती है बेटा, हाइगंस ने बताया था कि किसी भी कलर को आप पहचान पा रहे हैं ड्यू टू डिफरेंस इन देयर वेवलेंथ, वेवलेंथ अलग अलग होगी तो कलर भी क्या होगा अलग अलग होगा, अभी के केस में क्योंकि लाइट के स्पीड की 2/10 है इसलिए अगर वो पैसेंजर ब्लू देख रहा है तो वो व्यक्ति भी कितना दिखेगा, उसको ब्लू ही दिखेगा, क्योंकि आपको ज्यादा इफेक्ट वेवलेंथ का नहीं आएगा, क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसके क्रॉस अगर आप लाओगे तो कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, 2/10 दे रहा है, रिलेशन की बात करें तो आपको मालूम है v1 अपॉन में v2 इक्वल टू क्या होता है λ1 अपॉन में λ2, क्लियर है, उससे करेंगे तो आंसर आपका ब्लू ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट एज, सबको पता है एयर बबल वाटर में जाता है तो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कॉन्केव लेंस की तरह सॉरी, तो आंसर आपका हो जाएगा कॉन्केव लेंस। When a mirror is rotated by angle theta, then the refracted ray will be rotated by। आपको मालूम है कि अगर मिरर को थीटा एंगल से बदा दिया जाए तो जो इमेज है उसका 2θ से रोटेट कर जाती है, इमेज कितने से रोटेट कर जाती है आपका 2θ से, किस तरीके से वो देख लेते हैं जरा, मान लीजिए ये आपका मिरर लगा हुआ है इस दीवार पे,
अच्छा रिफ्लेक्टेड रे पूछा है, कौन सा रे पूछा है? रिफ्लेक्टेड रे। आपको बता दे जितने से रिफ्लेक्टेड रे बेंड करेगी उतने से उसका इमेज भी बेंड करेगा बेटा, क्योंकि इमेज किसके कारण आपको दिखाई देता है, जो लाइट रिफ्रेक्ट करती है उसी से आपको इमेज बनता हुआ दिखाई देता है। तो वह इनडायरेक्टली इमेज को ना पूछ करके रिफ्लेक्टेड रे का डेविएशन पूछिए, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, रिफ्लेक्टेड रे पूछे या इमेज पूछे दोनों आपके लिए सेम ही चीज है बेटा। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, मान लीजिए आप सामने ऐसा खड़े हैं तो आपका इमेज इस तरीके से इधर बनेगा, सही है? वैसे तो इसका ज्योमेट्री से पूरा सॉल्यूशन आता है, उतना भी करने का जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब आप क्या करो, इस मिरर को अपने छत पे कहीं इस तरीके से प्लेस कर दो, क्लियर? मतलब आपने मिरर को कितने डिग्री से रोटेट कर दिया बेटा, 90 डिग्री से, कॉन्सेप्ट समझ। तो जो आपका इमेज इस मिरर में दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इधर आपका हेड हो जाएगा और इस तरीके से आपका पैर नीचे की तरफ उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा। मिरर को जब छत पे लगा करके आप देखेंगे तो जैसे यहाँ टच करा दिए मिरर को, तो यहाँ पे पहले हेड बनेगा, पैर हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अब देखिए पहले हमारा इमेज बिल्कुल सीधा बन रहा था, अब हमारा इमेज कैसा बन गया बेटा, ऐसा उल्टा बन गया, क्लियर दिख रहा है आपको? मतलब आपका इमेज कितने से रोटेट कर गया, बिल्कुल उल्टा हो जाना, मतलब 180 से। कब? जब आपने मिरर को कितने से रोटेट किया है, 90 डिग्री से। तो मिरर अगर 90 डिग्री से रोटेट होगा तो इमेज हमारा कितने से रोटेट हो जाएगा, 180 से। मतलब मिरर थीटा से रोटेट हुआ है तो इमेज हमारा 2θ से रोटेट हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्टेड रे पूछे या इमेज पूछे बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बिल्कुल यहाँ समझ सकते हैं। वैसे ज्योमेट्री से निकालेंगे टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं है, थीटा तो 2θ खत्म। 154 क्या कर रहा है, द इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, TIR कह रहा है कब होती है। तो आपको मालूम है TIR तब होती है जब लाइट डेंसर से कहाँ जाती है बेटा, रेयरर मीडियम। इसमें देख लीजिए कौन डेंसर है और कौन रेयरर है, डेंसर टू रेयरर जाना चाहिए लाइट को, तभी TIR होगा। पहले मैं डायमंड टू ग्लास, डायमंड आपका पता है डेंसर है और ग्लास आपका क्या है बेटा, रेयरर। वाटर टू ग्लास हो ही नहीं सकता, रेयर से डेंसर है। एयर टू वाटर हो ही नहीं सकता, एयर टू ग्लास हो ही नहीं सकता, एयर तो सबसे रेयर मीडियम है बेटा, रेयर मीडियम है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए डायमंड टू ग्लास, TIR की कंडीशन पूछी थी। 155 असर्शन रीजन कह रहा है, वैसे इसका भी आपको ज्यादा यूज नहीं है, इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखा जाए मोशन पिक्चर 24 फ्रेम आई पर सेकंड, इसका भी हमको लगता है यूज नहीं है आपके पास। When a CD compact disc use the audio video system is seen in sunlight, rainbow lights occurs are seen. This can be explained on the basis of phenomena. बोलता है जो CD आती थी, जो compact disc आती है, आपने देखा भी होगा, जिसमें आप बैकअप डाटा बैकअप के लिए यूज करते हैं आजकल लैपटॉप में, कॉम्पैक्ट डिस्क है। जैसे ही उसको आप सनलाइट में लाएंगे उस पर ऊपर में सातों कलर आपको दिखाई देने लगेगा, चमकता हुआ दिखाई देगा, जिसको आप रेनबो भी बोल सकते हैं। वह किसके कारण होता है, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेस। तो सीधी सी बात है, अगर ये रेनबो बना है तो रेनबो की सारी प्रॉपर्टी उसमें हो रही होगी, तो रेनबो की सारी प्रॉपर्टी तो आपको पढ़ाया गया है, डिस्पर्शन होता है, TIR होता है और रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन नहीं, दो ही है, रिफ्लेक्शन तो होता है, रिफ्रेक्शन एंड ट्रांसमिशन नहीं, डिफ्रेक्शन नहीं, रिफ्रेक्शन हाँ होता है, डिफ्रेक्शन एंड ट्रांसमिशन ये आपका मोर करेक्ट है, तीनों इसमें हो रहा है। तो हम बोलेंगे रेनबो के लिए जो तीनों कंडीशन है फुलफिल हो रही, तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, अ स्मॉल ग्लास बीट्स फिक्स्ड इन ट्रैफिक सिग्नल ग्लो हाईली व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन देम। आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल में ग्लास का व्हाइट कलर का आप देखिएगा बीच बीच में से डॉट बनते हुए दिखाई देंगे, मान लीजिए रेड कलर के सिग्नल है, रेड है, इसके बीच में ऊपर ग्लास टाइप का ऐसा कांच का उठा हुआ ऐसा डॉटेड डॉटेड लाइन दिखाई देगा, क्लियर? ऐसा आप देखिए कभी भी सिग्नल को गौर कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा, वही बोल रहा है, स्मॉल ग्लास बी फिक्स्ड ऑन ट्रैफिक सिग्नल ग्लो ब्राइटली व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन देम। जैसे उस पर लाइट गिरता है वह तेजी से चमकने लगता है। जब ऐसा बनाने का कारण क्या है समझिएगा, होता क्यों है, वो कुछ आपको चमकता हुआ डायमंड की तरह दिखाई देगा, उसके अंदर होती है TIR। जैसे ये आपका ग्लास है, ये आपका सिग्नल है, इसके अंदर आपने ऐसा डॉटेड बना दिया, डॉटेड मतलब जो बाहर की तरफ थोड़ा उठा हुआ हो और वो ग्लास का होता है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, रफ सरफेस का बनाया जाता है, कभी भी स्मूथ सरफेस का वो नहीं बनाएंगे,
रफ सरफेस का बनता है, जैसे उस पर लाइट गिरती है अंदर TIR होने लगता है, और आपको मालूम है अगर कहीं पे भी TIR हो रहा है मतलब उसका ग्लो बढ़ जाएगा। तो चमक इसलिए बढ़ती है ताकि दूर से भी व्यक्ति को दिखाई दे दे, इसलिए बीच बीच में स्टैंडर्ड टाइप का ही सिग्नल आप देखिएगा तो उसमें डॉटेड लाइन आपको दिखाई देगा, डॉट 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 बने होंगे, ठीक है। सेकेंड कह रहा है रीजन द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड व्हेन अ एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड अ सर्टेन क्रिटिकल एंगल, बिल्कुल सही हमने बोला उसमें TIR होता है, TIR के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एंड लाइट ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम टू रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, बिल्कुल सही है, TIR की सारी कंडीशन बोल दिया हो हमने, बोला ही उसको इसलिए लगाया जाता है कि उसका अंदर TIR होता है, TIR के कारण उसका ग्लो बढ़ जाता है। तो TIR की जितनी कंडीशन है सब हुआ रीजन में दे दिया, सही है, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। और जो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है बेटा, आर दे रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आपका ए वाला कंप्लीट सही है बेटा, TIR के कारण होती है, उसी के कारण वो ग्लो होती है दिखाई देती है आपको, क्लियर है यहाँ। नेक्स्ट 158, कंसीडर द फॉलोइंग नेचुरल फिनोमिना, कुछ फिनोमिना दे रखा है, टेरेस्ट्रियल हीटिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू विच फिनोमिना मिराज इज फॉर्म्ड। अब आपको मालूम है मिराज कहाँ होता है, रेगिस्तान में बेटा, मरीसिका जो वो बनती हुई दिखाई देती है उसमें क्या होता है, जो उसके रेत होते हैं, रेत के जो पार्टिकल होते हैं सैंड पार्टिकल, उस पर जब लाइट गिरती है गर्मी के दिनों में तो ये गर्म हो जाती है बेटा, जैसे इस पर लाइट गिरती है ये गर्म हो जाती है, हीट करती है, हीट जैसे करती है डेंसिटी मीडियम के आसपास वाली क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, मतलब लाइट अब जैसे यहाँ से निकलती है तो डेंसर मीडियम से कहाँ आती है, रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर निकलती है, यहाँ से कोई भी चीज़ इस पर लाइट गिरा इसका इमेज बन रहा है, गर्म होने के कारण डेंसिटी चेंज हो गई और लगातार डेंसर से कहाँ जाती है या रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर जाएगी तो आपको मालूम है TIR होने लगता है वहाँ पे, क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो हमको बोला मिराज कैसे बनती है, तो मिराज बनने के लिए हमको मालूम है TIR तो होना पड़ेगा, और TIR होने के कितने कंडीशन इसमें देख लेते हैं, टेरेस्ट्रियल हीटिंग जरूरी है, गर्मी के दिनों में ही आपको दिखाई देता है और रेत जितनी गर्म होगी उतना अच्छा TIR आपको बनता हुआ मिराज बनता हुआ दिखाई देगा, तो टेरेस्ट्रियल हीटिंग आपका करेक्ट आंसर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट नहीं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन तो नहीं होता, रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रेक्शन नहीं, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट आपका करेक्ट है, सही है। TIR में क्या होता है बेटा, TIR और मिराज का बनना उसमें क्या होता है, रिफ्रेक्शन का घटना होता है, लाइट हमने बोला डेंसर से कहाँ जा रही है, रियर मीडियम, तो डेंसर से रियर जा रही है तो क्या होगी, बेंड्स करेगी, कहाँ बेंड्स करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरीके से निकल जाना, इस तरीके से निकल जाना मतलब लाइट का बेंडिंग, मतलब लाइट का क्या हुआ है, रिफ्रेक्शन हुआ। तो दो कंडीशन जरूरी है, टेरेस्ट्रियल हीटिंग एंड रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, 1 and 3, क्लियर है। नेक्स्ट 159, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोसफियर टेक्स प्लेस ड्यू टू, डिफ्यूज कर जाना लाइट का एटमोसफियर में टेक्स प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल, अगर एटमोसफियर में डस्ट पार्टिकल नहीं है तो कभी भी लाइट का बेटा डिफ्यूजन नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है 159। 160, टू विच ऑन द फॉलोइंग प्रोसेस इन द टर्म CMYK रिलेटेड, CMYK एक कलर का नाम है जिसको बोलते हैं सियान, मैजेंटा, येलो एंड इसको की बोलते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो, की, ये यूज किया जाता है प्रिंटिंग प्रेस में बेटा, कहाँ यूज किया जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफसेट प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रेस में CMYK वर्ड का यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है सियान, मैजेंटा, कलर के नाम है, येलो, की, सियान, मैजेंटा, येलो, की, ये ऑफसेट प्रिंटिंग में इसका इस्तेमाल होता है बेटा, करेक्ट आंसर आपका सी है 60। Which of the following types of light are strongly absorbed by planets? Planets के द्वारा कौन सी लाइट का absorption सबसे ज्यादा होता है? तो planet सबसे ज्यादा बेटा absorb करती है blue color को और red color को, याद रख लीजिएगा, blue और red color का absorption सबसे ज्यादा करता है earth। Earth सबसे ज्यादा किसको absorb कर लेती है बेटा? blue color को और red color को, clear है।
नेक्स्ट याद रखिएगा ब्लू और रेड को सबसे ज्यादा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ मैजेंटा एंड येलो कलर सर्कल इंटरसेक्ट. बोल रहा है मैजेंटा और येलो को इंटरसेक्ट कराएंगे. किसको किसको इंटरसेक्ट कराना है बेटा? मैजेंटा को और येलो को. तो देखिएगा इधर है आपका मैजेंटा और येलो. मान लीजिए मैजेंटा और इसको सर्कल को इंटरसेक्ट कराएं, मैजेंटा और येलो. तो बीच का कलर कौन सा होगा ये आपको पूछा गया. सर्कल इज इंटरसेक्ट देन विल रेड कलर. बिल्कुल सही है. मैजेंटा और येलो को जैसे ही इंटरसेक्ट कराते हैं बीच का कलर क्या होता है? रेड. और कहता है अब सियान और मैजेंटा तो ब्लू बनता है. ये भी सही है. इधर सियान है और इधर सियान है और इधर मैजेंटा है. ये जो बीच का कलर होगा ये ब्लू बनेगा. ये भी स्टेटमेंट उनका सही है. तो आज से ये आपको ध्यान में भी आ गया कि मैजेंटा और येलो को जैसे ही सर्कल में इंटरसेक्ट कराते हैं बीच का कलर कैसा बन जाता है बेटा? ये जो बीच का सेंटर्ड कलर है वो रेड बनता है और सियान और मैजेंटा को करते हैं तो बीच का कलर ब्लू बनता है. दोनों स्टेटमेंट सही है. बोथ वन एंड टू आर करेक्ट. सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा. क्लियर है? नेक्स्ट. असर्शन है, इन द विजुअल स्पेक्ट्रम द लाइट रेड लाइट द मोर इमर्जेंट देन ग्रीन लाइट. क्या कर रहा है सुनिए. इन द विजुअल स्पेक्ट्रम, जो आप स्पेक्ट्रम देखते हैं, इन ऑफ लाइट रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट. नहीं, बिल्कुल गलत है बेटा. अब हम जो कलर देखते हैं उसको बोलते हैं विवग्योर. समझिए, अब विवग्योर में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो इसका लेमडा बढ़ता है बेटा ऊपर से नीचे. मतलब लेमडा सबसे कम किसका होगा? वेवलेंथ वायलेट कलर की. और सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? रेड कलर की. ये आपको ध्यान रखना. बात कर ले एनर्जी की, तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं बेटा तो एनर्जी हमारी कम होती है. उसका कारण है जो लाइट रे दूर तक जाएगी, जो रेड लाइट रे दूर तक जाएगी उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. जो व्यक्ति दूर तक जाएगा उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम होने लगेगी. तो रेड की अगर वेवलेंथ जाता है, मतलब रेड जाता बहुत दूर तक है, तो अपनी एनर्जी को धीरे धीरे क्या कर लेगा? समाप्त कर लेगा, खत्म कर लेगा. तो याद रखिएगा एनर्जी की बात करें तो एनर्जी वायलेट का सबसे ज्यादा होता है और रेड का सबसे कम होता है. जबकि वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा होता है, सॉरी लेमडा, वेवलेंथ को लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे, और वायलेट का सबसे कम होता है. ये दोनों रिलेशन आप याद रखिएगा. तो पहला जो असर्शन है, इन द विजुअल स्पेक्ट्रम द लाइट रेड द लाइट रेड लाइट इज द मोर एनर्जेटिक, बिल्कुल गलत है. और रीजन क्या कह रहा है? द वेवलेंथ ऑफ द लेड रेड लाइट इज मोर देन द ग्रीन लाइट. हाँ, ये सही है बेटा. वेवलेंथ कह रहा है रेड लाइट का मोर देन होता है ग्रीन लाइट. तो देखो वो तो सबसे ज्यादा होता है, ग्रीन से क्यों? अब देख लीजिए रेड सबसे नीचे है और ग्रीन तो इसके ऊपर ही है, तो सबसे ज्यादा बोल दिया है हमने. मतलब रेड का वेवलेंथ जो होगा वो ग्रीन से भी क्या होगा? जब वायलेट से ज्यादा है तो ग्रीन से भी ज्यादा होगा. खत्म. सबसे ज्यादा ऑरेंज से भी ज्यादा, येलो से भी ज्यादा, सबसे नीचे वही है. तो कौन सा आंसर आपका सही है बेटा? ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, गलत. ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, गलत. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, गलत. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सही है बेटा. ए आपका फॉल्स है जबकि आर आपका क्या है? ट्रू है. नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी, किसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? तो अभी आपने देख लिया विवग्योर की बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? वी आई वी जी वाई ओ आर. एनर्जी सबसे ज्यादा होगी किसके पास? वायलेट के पास. वायलेट ऑप्शन में नहीं. वायलेट के बाद इंडिगो. इंडिगो है क्या ऑप्शन में? नहीं. बाद में ब्लू है, तो हमारा आंसर ब्लू हो जाएगा. खत्म का. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव आर यूज इन द नाइट विजन एपरेटस. नाइट विजन एपरेटस, रात में जब हम चल रहे हैं तो एक चश्मा आता है जिसको हम बोलते हैं नाइट विजन ग्लास लगाया हुआ. वो तो उस नाइट विजन ग्लास में कौन सा रेड है? इंफ्रारेड वेव्स. कौन सा वेव्स है बेटा? नाइट विजन. कोई भी अगर आप, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज इन अ नाइट विजन एपरेटस, रात में देखने वाली कोई भी जो एपरेटस है जिसमें आप अंधेरे में देख सकते हैं उसमें कौन सा वेव यूज होता है? याद रखिएगा इंफ्रारेड वेव्स. इंफ्रारेड वेव्स. क्लियर. 165. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द थ्री, इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती है?
अरे भाई तो सीधा सा कंसेप्ट है, हमने कल बताया था कोई कलर रेड है तो रेड कैसा दिखेगा, रेड पे व्हाइट गिराओ तो रेड को ऑब्जर्व कर लेगा, बाकी छह कलर को क्या कर देगा, वापस भेज देगा। तो सीधी सी बात है, हम तो ऐसा चाहेंगे जो सातों को भेजते, और सातों को भेजने का तरीका क्या है, अगर ये व्हाइट लाइट आ रही तो इसको व्हाइट पे गिरा दीजिए तो किसी को ऑब्जर्व नहीं करेगा, इन सातों कलर को यह रिफ्लेक्ट कर देगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, लैंड कवर्ड विद द फ्रेश स्नो। स्नो किस कलर का है बेटा, व्हाइट कलर का, तो व्हाइट है तो वो सबको क्या कर देगी बेटा, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो आपका सबसे अच्छा आंसर कौन सा है, लैंड कवर्ड विद स्नो, सबको रिफ्लेक्ट कर देगी, सबसे अच्छा दिखाई देगी। क्लियर, तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट असर्शन वाले क्वेश्चन आ जाए। A stick is dipped in a water of the starting position and observe the sideways the stick appear short and bent at the surface of water। आपको भी पता है बात, जब भी किसी लकड़ी को वाटर में डुबोते हैं तो वह उसकी लेंथ छोटी हो जाती है और ऐसा लगता है थोड़ी बेंड भी कर गई है। ये जो स्टिक्स है जैसे ये वाटर में जाएगा ऐसा बेंड कर जाता है और इसकी ये अपरेंट डेप्थ के कारण रहेगी, नीचे तक दिखाई देगी यहीं तक। इसको बोलते हैं रियल एंड अपरेंट डेप्थ की कहानी है, वास्तविक और आभासी गहराई की। इसमें रहेगा तो नीचे तक लेकिन दिखाई देगा थोड़ा ऊपर तक उठा हुआ, ड्यू टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर है बेटा, तो ये यहीं तक दिखाई दिया, सही है। अब ये बोला थोड़ा शॉर्ट भी हो जाता है, बेंड भी कर जाता है, हाँ सरसन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, वाटर में जाएगा तो ऐसा हो जाए। अ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टिक अंडर गोज स्कैटरिंग फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स गिव्स द स्टिक एंड हार्ड बेंड। नहीं, ये बोल रहा है जो ऐसी स्टिक रखी जाती है तो अंडर गोज स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की घटना नहीं है बेटा, ये रिफ्रेक्शन की घटना है। कौन सी फिनोमेना होती है, रिफ्रेक्शन। तो ये बिल्कुल आपका गलत है, ए एंड आर बिल्कुल गलत, ए एंड आर बिल्कुल गलत, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, सिलिंड्रिकल लेंस इज यूज बाई अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, सिलिंड्रिकल लेंस का यूज कब किया जाता है, जब वह सफर कर रहा हो कौन से डिफेक्ट से। चार तरीके का डिफेक्ट है बेटा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। मायोपिया इसमें हम यूज करते हैं कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया इसमें हम यूज करते हैं कॉनवेक्स, फिर आता है आपका प्रेस मायोपिया, इसमें हम यूज करते हैं बेटा बाइफोकल लेंस जिसमें दोनों होता है, कॉनकेव भी होता है और कॉनवेक्स भी, और लास्ट जो हमारी बीमारी है आंखों का जो डिफेक्ट है वो है एस्टिजमैटिस, एस्टिजमैटिस इसमें हम यूज करते हैं बेटा सिलिंड्रिकल लेंस। तो ये चारों आपको लिख दिया गया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष अवतल, दूर दृष्टि दोष उत्तल, जरा दृष्टि दोष प्रेस मायोपिया, बाइफोकल दोनों, और एस्टिजमैटिस मतलब सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करेंगे। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सिलिंड्रिकल पूछा है, एस्टिजमैटिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए बेटा, द पावर ऑफ ए लेंस इज माइनस का 2 डायोप्टर, लेंस का पावर कितना दे रखा है, माइनस का 2 डायोप्टर, व्हाट इज फोकल लेंथ। आसान सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें कितनी बार पढ़ा चुके हैं, P इक्वल टू होता है 1/f, पावर दे रखा है तो f इक्वल टू हो जाएगा 1/p, पी की वैल्यू 2 डायोप्टर, यह काय में आएगा, आंसर आएगा मीटर, हमको आंसर ये सब मीटर में दे रखा है, हाँ कोई बात नहीं 0.5 सही है, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 0.5 करेक्ट आंसर। माइनस है मतलब कॉनकेव यूज किया गया है, मतलब मायोपिया है उसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइट वेव्स कैन ट्रेवल अ वैक्यूम, लाइट वेव्स कैन बी ट्रेवल रिफ्रेक्टेड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट वेव के नेचर के बारे में पूछ रहा है आपसे। लाइट वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, हाँ बिल्कुल वैक्यूम में लाइट वेव ट्रेवल करती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। लाइट वेव कैसी वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको ही मालूम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लाइट चलती है बिना मीडियम के भी, ये भी सही है। लाइट वेव कैन बी रिफ्रेक्ट, हाँ रिफ्रेक्ट होती है लाइट, लाइट का रिफ्रेक्शन होता है, नहीं होता तो मीडियम में एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो बेंड करती है, ऐसा कुछ भी होता नहीं। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वो था करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा सी। ये लाइट की प्रॉपर्टी भी है तीनों बेटा, ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअली प्रॉपर्टी भी ध्यान हो जाएगा। व्हाई रेड लाइट इंप्लाइज द डेंजर सिग्नल, कहता व्हाई इज रेड लाइट
इंप्लाइड फॉर डेंजर सिग्नल, खतरों के लिए लाल का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल सबसे कम स्कैटर्ड होता है। स्कैटर मतलब होता है विचलन, बिना विचलित हुए एक जगह से दूसरे जगह बिल्कुल सीधे रेखा में चलती है, जो उससे दूर से दिखाई देती है। दूसरी कलर को भेजोगे तो एटमोस्फेयर में वो क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, फैल जाएगा, तो दूर तक जा ही नहीं पाएगा। ये बिल्कुल सीधे सीधे जाती है विदाउट स्कैटरिंग। दूसरा भेजोगे तो ये सब फैलने लगेगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। तो ये पहुंचना चाहिए यहां तक, ये पहुंचेगा यहीं तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दूर तक दिखाना है, दूर से ही सिग्नल खतरे का दिखाना है, इसलिए हम इसका किसका यूज करेंगे, रेड का, क्योंकि रेड का स्कैटरिंग सबसे कम होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड इज स्कैटर्ड लीस्ट, लाल का स्कैटरिंग सबसे कम होता है। होज एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज द सेम, बोलता है किसने प्रूव किया कि लाइट की स्पीड हमेशा बराबर होती है? यही निकल्सन एंड मार्ले ने यूज किया था। ये वाला बी आपका करेक्ट आंसर है। वो तो आप एक्सपेरिमेंट है और उसका किसने आविष्कार किया था, आविष्कार आविष्कारक, उसमें भी याद करोगे तो मालूम चल जाएगा। वो कोई क्वेश्चन ज्यादा होने। हाउ मेनी इमेजेस कैन बी सीन और स्टैंड बिटवीन द टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एंड एंगल 60 डिग्री, बोला दो प्लेन मिरर 60 डिग्री पे रखे गए हैं तो बताओ उसमें कोई व्यक्ति खड़ा है तो कितने इमेज बनेगा। कल भी तो बना करके बताया गया था, दो प्लेन मिरर 60 डिग्री पे है तो पहले आप चेक कर लीजिएगा 360 अपॉन में थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री कैंसिल हो गया 6 को चेक कर लीजिए ऑड है कि इवन है, तो ये बेटा ऑड है तो नंबर ऑफ इमेज के लिए हम क्या कर लेंगे 6-1 मतलब आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा 5। फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द थ्री डायमेंशनल इमेज बाई एंट्रेंस ऑफ टू लाइट बीम्स फ्रॉम लेजर और अदर कोहरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड। थ्री डायमेंशनल इमेज आपको देखा होगा बचपन में बुक पे, एक हेलो मार्क्स आता है, उसको आप इस तरीके से देखिएगा तो चमकता हुआ दिखाई देगा और उसमें थ्री डायमेंशनल इमेज बनती है। तो सीधी सी बात है हेलोग्राफी में यूज करते हैं थ्री डायमेंशनल का, बात खत्म। इतना ही आपको सोचना है, थ्री डी इमेज हेलोग्राफी। नेक्स्ट, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर फाइंड द इमेजेस थिनर बट विथ नॉर्मल हाइट। कहता है अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एक पर्सन किसी मिरर के सामने खड़ा है और वो पता कर रहा है कि उसका इमेज कैसा बन रहा है बेटा। थिनर मतलब थिन मतलब पतला हो जाना, इमेजेस कैसा हो गया है, पतला हो गया है। बट विथ नॉर्मल हाइट, नॉर्मल हाइट का है, हाइट में कोई टेंशन नहीं। तो कौन सा मिरर हो सकता है, कॉनकेव एंड स्फेरिकल। अब कॉनकेव में आपको मालूम है इमेजेस सेम हाइट की बनती तो है कॉनकेव एंड स्फेरिकल। मिरर की बात किया है, ठीक है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है बेटा, ये वाला मिरर। अब इस वाले मिरर में हमें कहता है इमेज है थिनर एंड नॉर्मल हाइट, नॉर्मल हाइट मतलब जैसा है वैसा ही उसको दिखाई दे रहा है। तो आपको मालूम है कॉनकेव में ऐसा हो सकता है कॉनकेव एंड स्फेरिकल। अब स्फेरिकल में बेटा दोनों आते हैं, कॉन्वेक्स एंड स्फेरिकल नहीं, कॉनकेव्स एंड सिलिंड्रिकल विथ एक्सिस वर्टिकल। अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि कॉम्बिनेशन है दो का, कॉम्बिनेशन है दो का, तभी जाकर के यह पॉसिबल है। क्योंकि एक मिरर कभी भी इमेज को या तो छोटा करती है या तो बड़ा करती है या तो इक्वल साइज करता है, लेकिन इसके साथ वो बोला कि इमेज थिनर भी हो गया, पतला भी हो गया। तो पतला हो गया तो अकेले मिरर से यह पॉसिबल नहीं है, जब तक आप उसको कंबाइन नहीं करोगे। और एक कॉम्बिनेशन किसका निकलता है, कॉन्वेक्स का और सिलेंड्रिकल का, लेकिन उसमें एक्सिस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सिस कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होगा तो ये पॉसिबल, हॉरिजॉन्टल होगा तो थिनर के जगह वह इमेज थिकर होने लगेगा, मोटा होने लगेगा बेटा, क्लियर है? तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है ये याद रख लीजिएगा, कॉन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल विद एक्सिस वर्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कौन सी फिनोमेना ऐसी है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से नहीं होती। अब आपको ही मालूम है ये जो ट्विंकलिंग है इसमें भी रिफ्रैक्शन होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी मिराज बनाया था तो बताया था रिफ्रैक्शन हुआ है, रेनबो में रिफ्रैक्शन भी होता है, TIR होता है, डिस्पर्शन होता है, सारे होते हैं। तो ये कौन सा आंसर बच गया, रेड शिफ्ट, ये आपका करेक्ट आंसर। 127 क्या कहता है, डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ एंड हैविंग अ सर्कुलर एपरेचर इज कट इनटू टू हाफ्स, इट्स हैविंग अ सेमी सर्कुलर एपरेचर,
सेमी सर्कुलर एपरेचर रखा हुआ है, मतलब आप ये ध्यान रखिए कटिंग कैसा हुआ है और कुछ भी नहीं। कटिंग ऑफ लेंस एक टॉपिक है जिसमें बताया जाता है कि लेंस को किस तरीके से कट किया जाता है तो फोकल लेंथ और पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इधर देखिए, उसने बोला डबल कॉन्वेक्स ग्लास लेंस, डबल कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं जिसका दोनों सर्फेस कॉन्वेक्स, जिसको आप नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, इसको कट कर दिया गया है। कैसा कट किया है? तो कट करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट करें या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करें। बहुत आसान लैंग्वेज है, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। बोला इस तरीके से कट किया गया है, यह इनिशियली इसका फोकल लेंथ कितना था, एफ था, हैविंग अ सर्कुलर एपरेचर इज कट इनटू टू हाफ्स ईच हैविंग अ सेमी सर्कुलर एपरेचर। दोनों को इस तरीके से कट किया गया है कि प्रत्येक का जो एपरेचर है वो सेमी सर्कुलर हो गया है। तो सेमी सर्कुलर होने का मतलब है कि यह कटिंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ होगा, तभी तो यह सेमी सर्कुलर होगा बेटा। यहां तो जैसे कट करेंगे ये अब ऐसा दिखेगा आपको, सेमी सर्कुलर, इसको बोलते बेटा सेमी सर्कुलर। क्लियर है? तो इसमें अगर फोकल लेंथ एफ है तो अभी भी फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, सेमी सर्कुलर एपरेचर, सेमी सर्कुलर एपरेचर की बात किया है उसने। यह पूरा सर्कल है, सेमी सर्कल का मतलब हाँ इसी तरीके से कटिंग हुआ होगा। तो इस कंडीशन में अगर एफ है तो इसका भी फोकल लेंथ बेटा कितना हो जाएगा, एफ। इस तरीके का कटिंग होता है, फोकल लेंथ पे कोई चेंज नहीं होता है, क्लास में कराया भी है, आंसर आ जाएगा आपका एफ। टू एन ऑब्जर्वर ऑफ द लूनार सरफेस ड्यूरिंग द डे टाइम स्काई विल अपीयर टू बी, लूनार सरफेस पे है उसको बोला है कि स्काई सरफेस कैसा अपीयर होगा, कैसा दिखाई देगा। ये बात होती है जब वह ऑब्जर्वर कहाँ चला गया है, स्पेस में, और स्पेस से देखने पर कल ही बताया था कि पूरा एटमॉस्फेयर वहाँ होता ही नहीं है प्रेजेंट। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्काई उसको हमेशा कैसा दिखाई देगा बेटा, ब्लैक दिखाई देगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो आंसर आपका है ब्लैक। जहाँ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है वहाँ से देखने पर एटमॉस्फेयर स्काई आपको हमेशा ब्लैक दिखाई देगा। विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स, कौन सा कलर बनता है जब रेड और ग्रीन को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। तो रेड और ग्रीन को मिक्स करते हैं बेटा तो येलो बनता है। ये आपको कलर में पढ़ाया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर जब पढ़ा रहे थे क्लास में सब बताया गया है कि रेड और ग्रीन को जब मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बन जाता है बेटा, येलो बनता है। रेड प्लस ग्रीन ये मिल जाएगा येलो बनेगा। प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर और कॉम्बिनेशन वहां बताया गया है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पिक ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर एम वन एंड एम टू, तो कह रहा है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप विल बी, एम वन और एम टू था दोनों को मिला दिया तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो कल भी पढ़ाया गया था एम इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस का वी जीरो अपॉन में यू जीरो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन टू में होता है डी अपॉन में यू। यह मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव का, तो एम ओ इसको लिख सकते हैं क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है वी अपॉन में यू आपको पता है, तो वी है और यू है, यहाँ डी है। यह डी किसका डिस्टेंस होता है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इमेज बनती है यहाँ पे, तो इसको आप इमेज मान लीजिए। यह एट लीस्ट डिस्टेंस फाइनल इमेज कौन देखता है, आई देखता है, तो ये आपके लिए वी हो जाएगा एक तरीके से, और ये आपका यू, तो वी अपॉन में यू किसके लिए यूज करते हैं, आई पी के लिए। तो एम का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का हो जाएगा एम ओ इन टू में एम ई, आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। द केमिकल पार्ट ऑफ द डाई दैट अब्सॉर्ब लाइट एंड प्रोड्यूस कलर इज कॉल्ड पिगमेंट, डाई में जो केमिकल पार्ट है अब्सॉर्ब लाइट, जो लाइट को क्या करती है अब्सॉर्ब करती है एंड प्रोड्यूस कलर, जिसके कारण लाइट ऑब्जर्व होती है और कलर आपको दिखाई देती है, उसको बोलते हैं बेटा पिगमेंट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट 182। पैनक्रोमेटिक फोटोग्राफिक फिल्म इज सेंसिटिव टू, क्या कर रहा है, पैनक्रोमेटिक फोटोग्राफी फिल्म इज सेंसिटिविटी टू द एंटायर रीजन ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम, किसके कारण वो सेंसिटिविटी उसकी बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी वो शो करती है, तो कह रहा है द एंटायर रीजन टू द विजुअल स्पेक्ट्रम, विजुअल स्पेक्ट्रम का जो रीजन होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, इसी के कारण पैनक्रोमेटिक फोटोग्राफिक फिल्म क्या हो जाती है,
सेंसिटिविटी हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। इन समर द मिराज आर सीन ड्यू टू फिनोमेना ऑफ, गर्मी के दिनों में मिराज आपको दिखाई देती है, तो आपको बताया गया था मिराज के दिखने का क्या कारण है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं TIR, हाँ सही है, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो कंप्लीट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अभी आपको बताया गया था मिराज किसके कारण है, TIR के कारण, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला बी वाला TIR, क्लियर है। नेक्स्ट, कैम्बर्स लॉ इज रिलेटेड टू, अब आपको एक्सपेरिमेंट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसने लॉ क्या दिया है। कैम्बर्स ने इल्यूमिनेशन के लिए लॉ दिया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इल्यूमिनेशन, ज्वलनशीलता के। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड, ये सब आपको याद रखना है कि किसने क्या इन्वेंट किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात किया है, किसकी बात किया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था नोलैंड रस्का ने, ये आपका करेक्ट आंसर। इन विच पार्ट ऑफ द आई लाइज द पिगमेंट दैट डिसाइड द कलर ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का कलर कैसा है, वो बोल रहा है इन विच पार्ट ऑफ द आई लाइज द पिगमेंट, कौन सा पार्ट आपको बताता है कलर क्या होगा, तो यह बताता है आपका बी वाला बेटा क्रोवाइड, बी आपका करेक्ट आंसर है, इसमें लगा लीजिएगा क्रोवाइड, 186 आपका बी करेक्ट आंसर है। What is viewed through a electron microscope? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसको देखा जाता है, तो स्ट्रक्चर बहुत छोटा है बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब इलेक्ट्रॉन के साइज की बॉडी को देखना है, तो इलेक्ट्रॉन एंड अदर एलिमेंट पार्टिकल नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन के साइज का होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज हम करते हैं इसको देखने, क्लियर। नेक्स्ट, द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर्स आर कॉल्ड, व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना क्या कहलाती है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, आपको पढ़ाया भी गया था जब प्रिज्म से किसी लाइट को पास कराते हैं तो ये अपने 7 कंपोनेंट कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है ड्यू टू चेंज इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, सारे कलर के लिए इसका जो प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है, जैसे ही अलग अलग होता है सारे लाइट को अपने रास्ते से क्या कर देती है, बेंड कर देती है, और सारे कलर को क्या कर देती है, स्प्लिट कर देती है। स्प्लिटिंग होना किसका कारण है, इसको बोलते हैं इस घटना को डिस्पर्सन हुआ है लाइट का, डिस्पर्सन होना मतलब लाइट का अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाना, अपने अवयवी रंगों में बट जाना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। नेक्स्ट, अ रे ऑफ व्हाइट लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ ऑल द कलर आर रिफ्लेक्टेड देन द सरफेस वुड अपीयर, उसने बोला व्हाइट लाइट किसी सरफेस पे गिरी और सभी कलर्स को उसने क्या कर दिया बेटा, रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब सभी रंगों को क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, तो सरफेस कैसा था, तो सरफेस आपका व्हाइट था, आपको ही बताया गया अभी थोड़ी देर पहले स्नो वाले केस में बताया गया था, कोई ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखाई देता, मान लो ये रेड है, व्हाइट लाइट गिरा तो ये रेड को रिफ्लेक्ट कर देती है, बाकी सबको क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर देती है, तो ये हमारी आंखों तक रेड आती है तो इसका कलर रेड दिखाई देता है हमें, क्लियर। लेकिन वो बोला किसी को भी नहीं रखा, सबको क्या कर दिया, वापस भेज दिया, सबको वापस भेज दिया, मतलब 7 कलर का क्या है, कॉम्बिनेशन आया हमारे आंखों तक, तो 7 कलर का कॉम्बिनेशन मतलब हमको वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, व्हाइट ही तो दिखाई देगा। इधर देखें, इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द लेंसेज आर used to form image the phenomena of, in optical instrument the lenses are used to form image is the phenomena of, optical instrument baat kare koi sa bhi le lo, optical instrument microscope le lo ya telescope le lo, koi sa bhi le lo, agar ek compound microscope ki baat kare, light yahan se aayi, yahan se isko bolte kaun si ghatna ho rahi hai beta, phenomena refraction of light, फिर यहाँ लाइट गिरी, फिर इधर चली गई, फिर इधर चली गई, पीछे बढ़ा, ये जो लाइट बेंड कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, इसको रिफ्रेक्शन ही तो बोलते हैं, तो द लेंसेज आर यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज बाय द फिनोमेना ऑफ, रिफ्रेक्शन वाले फिनोमेना से ही तो क्या करती है, इमेज बनाती है, हाँ या ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिफ्रेक्शन। नेक्स्ट,
191 क्या कर रहा है बेटा? द लेजर इज अ बीम ऑफ रेडिएशन विच आर, लेजर में कैसा बीम है? लेजर आपको मालूम है दूर तक जाती है बिना भी लाइट को क्या किए, स्कैटर किए। मतलब लेजर में जो लाइट होती है वो बहुत दूरी को कवर कर सकती है, लार्जर डिस्टेंस को, विदाउट स्कैटरिंग। मतलब वो सोर्स कैसा होता है? कोहरेंट होता है। लेजर में जो सोर्स यूज करते हैं वो पहले ध्यान रखिएगा कोहरेंट। कोहरेंट का है फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया गया है, नॉन कोहरेंट बिल्कुल गलत है। कोहरेंट एंड नॉन मोनोक्रोमेटिक, नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज नहीं करते, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है एक ही रंग का यूज करते हैं। लेजर में सातों कलर नहीं होते, लेजर में एक ही कलर होते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट होते हैं और सोर्स कैसा होता है? कोहरेंट होता है। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट है? डी वाला आपका करेक्ट है, 192। द TIR occurs when light traverses from, आपको ही पता है TIR कब होता है? डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम विथ एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला हो जाएगा बेटा, लगा लीजिएगा। 193, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अभी आपको बताया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है, लेकिन इसमें आपको बता दिया गया था केवल विविग्योर के लिए। इसमें विविग्योर के अलावा भी क्या है बेटा? अलग अलग कलर, क्लियर है? तो अलग अलग कलर है तो इसमें देखिएगा किसका है। एक्सरे भी दे रखा है, गामा रे भी है, ब्लू रे भी है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब आप पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा। यहाँ मान लीजिए विजुअल रीजन है, सही है? विजुअल रीजन है, यह है आपका विजुअल। विजुअल से जिसका कम होता है ऊपर आ जाएगा आपका अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट से कम होगा ये आ जाता है ऊपर एक्सरे, गामा रे, इस तरीके से। इसके नीचे आता है बेटा विजुअल के नीचे रेड है, लास्ट है यहाँ। रेड के नीचे क्या आ जाएगा? इंफ्रारेड। इस तरीके से एक स्पेक्ट्रम पढ़ाया जाता है। तो हमारा एक्सरे, गामा रे और ब्लू रे दोनों रेड से क्या है? देखो ये विजुअल में रेड होगा और रेड से ऊपर है एक्सरे और गामा रे हमने बनाया है। तो एक्सरे और गामा रे का तो वेवलेंथ क्या होगा? शॉर्टर होगा। और ब्लू और रेड की बात करें तो विविग्योर में है, दिखने वाले में है, तो ब्लू और रेड में ज्यादा किसका होता है? रेड का। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, बैट्स डिटेक्ट्स ऑब्स्टेकल्स इन देयर पाथ बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड। बैट्स मतलब होता है चमगादड़। चमगादड़ अपने पाथ में आने वाली किसी भी चीज को क्या कर लेती है? बैट ऑब्स्ट्रैक्ट। बैट्स डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मतलब उसके पाथ में जो रुकावट है वो रुकावट को क्या कर लेती है? रिसीव कर लेती है कि आगे क्या कोई घटना है कि नहीं है। रिफ्लेक्टेड, कौन सी रे आती है उसके पास जिसके कारण वो उसको, कौन सी वेव आती है जिसके कारण उसको पता चल जाता है कि आगे उसके रास्ते में क्या है बेटा? रुकावट है। तो बैट्स में यूज कीजिएगा अल्ट्रासोनिक वेव्स आती है। कौन सी वेव आती है बेटा? अल्ट्रासोनिक वेव। तो 194 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव। डिस्पर्शन प्रोसेस फॉर्म स्पेक्ट्रम ड्यू टू व्हाइट लाइट फॉलिंग ऑन अ प्रिज्म, द लाइट वेव विद शॉर्टेड वेवलेंथ। बोला डिस्पर्शन जो प्रोसेस है, विक्षेपण की जो प्रक्रिया है, फॉर्म्स स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बनाती है, ठीक है, इसे गुजरती है, डिस्पर्स होती है। यहाँ पे सातों कलर आपको स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, यहाँ स्पेक्ट्रम बनता है विविग्योर का, ठीक है। लाइट फॉलिंग ऑन अ प्रिज्म, प्रिज्म पे गिरा, द लाइट वेव ऑफ द शॉर्टेड वेवलेंथ। जो शॉर्टेड वेवलेंथ की लाइट होती है वो कौन सी होती है? तो आपको ही मालूम है शॉर्टेड वेवलेंथ का लाइट कौन सा होगा? जो रिफ्रैक्ट द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट किया है उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट किया है उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, ऐसा पूछ रहा है। रिफ्रैक्ट द मोस्ट, रिफ्रैक्ट करना मतलब बेंड कर जाना। जो सबसे ज्यादा बेंड कर रही है उसके लिए रुकावट सबसे ज्यादा है। और म्यू का रिलेशन आपको पढ़ाया गया है, 1μ2 इक्वल टू म्यू टू अपॉन में म्यू वन इक्वल टू वी वन अपॉन में वी टू इक्वल टू लेमडा वन अपॉन में लेमडा टू। जिसका रुकावट ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। वेवलेंथ और म्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सीधी सी बात है, जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट किया है मतलब जो सबसे ज्यादा बेंड किया, सबसे ज्यादा बेंड वही करेगा जिसका म्यू सबसे ज्यादा होगा, और म्यू सबसे ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो बिल्कुल सही आंसर है, रिफ्रैक्टेड द मोस्ट। उसने रिफ्रैक्शन उसका सबसे ज्यादा हुआ है, अपवर्तन सबसे ज्यादा हुआ है, मतलब उसका म्यू सबसे ज्यादा होगा, और म्यू जिसका ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि म्यू और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे देखने की कोई जरूरत नहीं। 190, व्हिच कलर फॉर्म व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्स।
ब्लू और ग्रीन को मिक्स करता है तो पूछ रहा है कौन सा कलर आपका फॉर्म होगा, तो ब्लू और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो बेटा सियान बनता है, आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, ब्लू और ग्रीन को मिक्स करते हैं सियान फॉर्म होता है। हु डिस्कवर्ड द कलर फोटोग्राफ, ये डिस्कवरी वाले देख लेना बेटा, कुछ डिस्कवरी वाले है, बहुत बार आ रहे हैं डिस्कवरी वाले क्वेश्चन, तो इन्वेंशन को आप देख लीजिएगा एक बार, कहीं भी आपको मिल जाएगा, किसी भी बुक में मिल जाएगा, किसको किसने इन्वेंट किया था वो आप देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। वैसे ये फोटोग्राफी की बात करें तो मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसको डिस्कवर किया था, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर की स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, पावर ऑफ लेंस करेक्ट हो जाएगा आपका 198 का बी सी डी ई, फर्स्ट वाला सही है बेटा, बी नहीं होगा, ए ही है, मिसप्रिंट, बी आपका करेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज आर यूज इन द मूवी प्रोजेक्ट, मूवी प्रोजेक्ट में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, किसकी बात कर रहा है वो, मूवी प्रोजेक्ट का। अब मूवी प्रोजेक्ट में कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो मूवी में कैसा इमेज फाइनली आपको बनता हुआ दिखाई देता है बेटा, आपको मालूम है अगर कनकेव यूज करेंगे तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा और छोटा बनेगा, कॉन्वेक्स में इमेज कैसा बनता है बेटा, रियल बनता है और वर्चुअल भी बनता है, सेम साइज भी बनता है और इनलार्ज भी बनता है। दो बार कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, एक बार ये इसका इमेज उल्टा बनता है, फिर उल्टे को एक बार और फोकस कराते हैं तो सीधा बन जाता है, तो यूज कौन सा करेंगे बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला, क्लियर। नेक्स्ट आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा 200, द प्रिंसिपल ऑफ लाइट बेस्ड ऑन विच शैडो इज फॉर्म इज, द प्रिंसिपल ऑफ लाइट बेस्ड ऑन विच शैडो इज फॉर्म, शैडो किसके कारण फॉर्म होता है, लाइट में शैडो की बात कर रहा है, शैडो किसके कारण होता है, तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए यह कोई सीट है, ग्लास सीट है, इसमें कोई भी पिन होल नहीं है, मतलब छोटा छोटा होल भी सब बंद किया गया है, इस पे लाइट गिरेगी आर पार होगी क्या, नहीं, इधर क्या बनेगा, शैडो बनेगा, समझ लेगा। अगर ये ऐसी लाइट है जिसका वेवलेंथ, और यहाँ एक होल बना दिया, इन दोनों का वेवलेंथ क्या है, इक्वल है, तो वेवलेंथ इक्वल है तो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, और साइज इक्वल है बिल्कुल सीधा सीधा, जैसे अपने घर में छोटा सा पिन होल कर दो तो लाइट जब घरों में आती है तो बिल्कुल सीधी आती हुई दिखाई देती है, इसको बोलते हैं इस कंडीशन में लीनियर प्रोपेगेशन हुआ है, क्या हुआ है बेटा, लीनियर प्रोपेगेशन। और अगर यह साइज बहुत बड़ा है, सॉरी अगर साइज दोनों इक्वल है बेटा तो लीनियर नहीं होता है, डिफ्रेक्शन हो जाता है, सॉरी लाइट बेंड कर जाएगी टकराने के बाद, उसको डिफ्रेक्शन बोलेंगे, और ये होल बहुत बड़ा है तो ये चुपचाप सीधे की सीधे निकल जाएगी, लीनियर प्रोपगेशन हो जाएगा। तो बोला द प्रिंसिपल ऑफ लाइट बेस्ड ऑन विच शैडो इज फॉर्म, तो शैडो किसके कारण है, डिफ्रेक्शन के कारण नहीं, रिफ्लेक्शन के कारण नहीं, रिफ्लेक्शन मतलब होता है टकरा करके उसी मीडियम में वापस चले जाना, हाँ रिफ्रेक्शन टकरा करके दूसरे मीडियम में चला जाना लाइट का, तो लाइट तो निकल गया दूसरे मीडियम। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन इसका करेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें कंट्राडिक्शन है बेटा, रेक्टिलिनियर में तो सीधे चली जाएगी, और सीधे तब जाएगी जब इसका साइज बहुत बड़ा हो, हमें तो शैडो बनाना है, शैडो बनाना मतलब तो लाइट आर पार नहीं गया है, उसके पीछे उसका शैडो बनाना है, तो हमें तो लगता है इसका रिफ्लेक्शन करेक्ट आंसर होगा, रिफ्लेक्शन के कारण शैडो बनेगा, जैसे यहां से कोई चीज आई, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर गई वापस चली गई, तो इसका पीछे इसका क्या बनेगा, शैडो ही तो बनेगा, लाइट गिरेगी दिखाई नहीं, लाइट आर पार हो जाएगी तो समस्या है। रेक्टिलिनियर तब होगा जब साइज बहुत बड़ा हो, साइज अगर इक्वल टू वेवलेंथ हो तो डिफ्रेक्शन होती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट अब इसके जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं बचे हुए हैं बेटा, यह कल के क्लास में समाप्त हो जाएगी, तो आपका लाइट का पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट सीरीज की बात करेंगे, जिसमें या तो हम हीट लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, कोई सा ऐसा टॉपिक लेंगे जिसका वेटेज एनडीए और एयरफोर्स में सबसे ज्यादा है। इस तरीके से आप देखते रहिएगा पूरा सीरीज, आप देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा आपसे, आप अगर इतने क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग 80-90% क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आए आपके बिल्कुल बनेंगे, ठीक है बेटा। जय हिंद, जय भारत।